वो जो मुझे बॉम्बे में नहीं मिलते या छोले कुलचे बिकॉज वो नहीं मिलते जो ऑथेंटिक होते yeah. हैं वो मैं यहाँ आकर और हर बार खाता हूँ अभी भी आकर सीजन ट्वेल्व इलेवन से पहले के सीजन थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे उसमें पर्सनैलिटीज स्ट्रॉन्ग थी मैंने हमेशा कहा है कि रियलिटी शो स्क्रिप्टेड नहीं होते प्लॉटेड होते हैं

मेरे जो एक दो फेवरेट सीजन्स रहे हैं गौहर जिसमें जीती yes. थी वन ऑफ़ माई फेवरेट एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स देन जिसमें डॉली विंद्रा थी अभी थोड़े से लोग ना सब प्रिपेयर होकर जाने लगे बिकॉज थैंक्स टू सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्सपोजर है मुझे लगता है जो सीजन ट्वेल्व इलेवन से पहले के सीजन थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे उसमें पर्सनैलिटीज स्ट्रॉ थी लाइक राइट ना ऑबियसली लॉर्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इन बिग बॉस उस टाइम

फेवरेट कंटेस्टेंट आई टू ओके अभिषेक लड़ाकू बेबिका भोंदू पर चले गए एंटरटेनिंग अगेन मनीषा सो जैसे आकाश आपने खुद भी बहुत सारे रियलिटी शोज किए हैं सो so, दर्शकों को जैसे लगता है दैट स्क्रिप्टेड होता है सब hmm. कुछ प्री डिसाइडेड होता है लाइक like फाइट्स होना या लव एंगल्स होना सो इज इट ट्रू सी मैं ये बोलूंगा स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता बिकॉज़ जो आप बोल रहे हो वो आपका खुद का कंटेंट है बट यस yes, आप टीवी पे हैं आप एक्टर हैं आपको पता है कंटेंट कैसे देना है hmm. तो वो सब एक स्टेज्ड चीज़ें होती हैं प्लान चीज़ें होती हैं मैंने हमेशा कहा है कि रियलिटी शो स्क्रिप्टेड नहीं होते प्लॉटेड होते हैं hmm. आपको प्लॉट क्रिएट करना पड़ता है अब मुझे पता है कि आज मैंने कुछ कंटेंट नहीं दिखा तो मेरा एडिट में कट जाऊंगा मैं नहीं दिखूंगा वी हैव डन दैट आई हैव डन हैव डन अदर शोज सो मैं पता होता था एंड द रीजन आई ऑल्सो गॉट लॉर्ड ऑफ फेम फॉर स्प्लिप्स बिकॉज आई न्यू कि कॉन्टेंट कब देना है अब आप वो आपके ऊपर सबको नेचुरली कैसे क्रिएट hmm. करते हैं तो डेफिनेटली uh, आप रियल लाइफ में इतना लड़ते नहीं हैं किसी से आप रियल लाइफ में आपको दो दिन में प्यार नहीं हो जाता है तो तो उसमें बोलने की जरूरत ही नहीं नहीं है है होता जो भी आपकी भाषा है, आपकी भाषा आपके आपके हैं 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 आप आप कर सकते हैं. Mm -hmm. आप बना सकते बना जैसे लास्ट ईयर साजिद हर चीज में बोलते थे स्क्रीन yes. प्ले है तो दैट इज वो तो बोल दिया उन्होंने mm -hmm. तो उसमें बोलने वाली बात ही नहीं है अभी तो किसको देखते हैं मेरे हिसाब से अभिषेक मेरे लिए नंबर वन है बिकॉज mm. वो इंडस्ट्री uh, बैकग्राउंड से नहीं आते हैं स्टिल ही इज आउटशाइनिंग तो दैट्स अ वेरी बिग डील फॉर मी पूजा भट्ट विल बी नंबर टू बिकॉज यू हेट हर और यू लाइक हर यू नॉट इग्नोर हर शी इज देयर एंड हर पर्सनैलिटी इज वेरी स्ट्रांग मनीषा इज नंबर थ्री फॉर मी अगेन फोर्थ आई कैन से बेबिका

आपको किसकी केमिस्ट्री अच्छी लग रही है like, अगर मैं for instance, अविनाश फलक या 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 फिर okay. या आ, या फिर अभिषेक 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 मनीषा मनीषा जिया जो love triangles भी create हो रहे हैं एलविश okay. तो आप okay. क्या लगता ये है? नहीं पता था मुझे <laughs> okay, so I, जितना मैंने देखा है मुझे मुझे सब फेक लगा to be very honest. मुझे पहले तो फलक अविनाश तो कहीं से कहीं chemistry <laughs> लगती है ना ही मुझे ऐसा लगता है अभिषेक को देखे कि ही इज इंटरेस्टेड टू क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ यू नो लव वाइफ वो बेसिकली शो के लिए वो चाबी भरी जाए तो करा जा सकता है बट आई पर्सनली फील के

तो मुझे मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था कि मेरे पास कोई ब्रीफ नहीं था कि विराज का कैरेक्टर क्या होने वाला है इट वॉज अ ग्रे शेड कैरेक्टर इनिशियली बट जैसे ही मैं सेट पे गया वो बहुत ही गुडी गुड बॉय हो गया तो मेरे लिए वो डिफिकल्ट डिफिकल्ट थोड़ा बिकॉज़ जितने मैंने मैंने इतना मैं आज तक ट्राई किया दैट नेगेटिव कैरेक्टर्स सो फॉर वेरी ऑलवेज स्माइलिंग बॉय डिफिक्ट्रामाजी टू सेम सोबादी

ओ दिल्ली दिल्ली में या फिर इन जनरल यू आर सेइंग दिल्ली में आई लव छोले कुलचे वो जो मुझे बॉम्बे में नहीं I was मिलते आई वाज़ एक्सपेक्टिंग दिस या छोले कुलचे बिकॉज़ वो नहीं मिलते जो ऑथेंटिक होते hmm. हैं वो मैं यहाँ के और हर बार खाता हूँ, मैं अभी भी आके इनफैक्ट मैंने परसों भी खाए थे मैंने आई वाज़ एट माय होटल आई ऑर्डर्ड सो आई लव दैट एंड लस्सी समथिंग अलोंग विद इट टू कंपनी इट सो सो लाइक इतना हैंडसम बंदा सो गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो होगी या मेरा चांस है <laughs> <laughs> नहीं एक्चुअली आई टेल यू मेरा हमेशा से मैं बहुत क्लियर था पहली बात तो इफ़ यूड इंसान हूँ तो uh, मेरा ये मानना है कि जब भी मैं रिलेशन में हूँ ना मैं बाकी लोगों की तरह उसको छुपा के नहीं रखने वाला <laughs> मैं ऐसा नहीं करने वाला कि oh, oh, best friends, and all that. <laughs> <laughs> खुला बिंदास तो आई फॉर राइट फॉर माइट नाउ इट्स टू से बट माई करियर माई प्रायोरिटी बहुत सारे ट्रांजेशन हो रहे हैं मेरे करियर में भी अभी घर वालों के लिए आई आई वॉज जस्ट डूंगा

और ये कई लोग इसको गलत वे में भी लेते हैं बट मैं उसको बोलता हूँ इवन ही इज़ मोर इम्पोर्ट दैन माई फैमिली टू मी बिकॉज जब वो मेरी लाइफ में आया था आई वॉज अ वेरी बैड फेज तो मैं हर किसी को बोलता हूँ दैट ही हैज सेव्ड मी सो ही इज़ माई एवरी थिंग आई डू एवरी थिंग फॉर हिम जितना मैं जब से वो मेरी लाइफ में आया है मेरी लाइफ बदल गई है आई गॉट लॉड ऑफ गुड वर्क आई मेड गुड मनी

तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना था एक ऐसा uh, चीज क्रिएट करनी थी कि जो मैं और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एक्टर्स हैं जो फेस कर रहे हैं कास्टिंग को लेके हो चाहे चाहे वो स्क्रिप्ट को लेके हो टीवी ना इस टाइम बहुत रिग्रेसिव हो गया mm -hmm. मुझे ऐसा लगता है mm -hmm. बहुत ज्यादा सुपर नेचुरल शोज बहुत ज्यादा जहाँ फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक एक लक्ष्मी ऑल्सो फॉर डेट मैटर आई मीन इट इज वहाँ हम दिखा रहे हैं कि एक इट्स सो कूल टू फॉर वन गाय टू हैव टू विमन इन द लाइफ एंड इट्स ऑल ओके ठीक है रियल लाइफ में होता है बट आई वॉन्ट टू शो प्रोग्रेसिव टीवी जो आज से दस साल पहले होता था 2010 हजार में जैसे इश्क बाश शो आता था सारा भाई आता था देवर नाइस हेल्दी शोज सो मुझे इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं प्रोड्यूस करता हूँ ऑफकोर्स इट्स अ गुड मनी इन अ करियर यू ऑफकोर्स वॉन्ट टू अर्न मनी सो दैट इज़ वेरी मच देयर बिकॉज एक्टिंग में टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा नाउ डज यू डोंट गेट मनी सो दैट वॉज माई क्राइटेरिया एंड अगेन

समय समाप्त हो गया और जैसा कि मैं हमेशा जाने से पहले कहती हूं दैट डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बट डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू एंटी लाइफ